नमस्कार दोस्तों, अपनी कल की कथा अध्याय 6 में हमने जाना कि किस तरह श्री नारायण ने श्री कृष्ण के सामने अधिमास के दुखों को बताया। और अब हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्तम कथा अध्याय 7, श्री कृष्ण का अधिमास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिमास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सो आप कहो, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु जी से कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासु हो, पाखंडी ना हो, सज्जन एवं सेवा करने वाले हो, तो उन्हें बता देना चाहिए। यह गुप्त वचन सुकृति कराने वाला, पुण्यात्मा, यश तथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है, राजा और राज दरबार को वश में करने वाला, दरिद्रता नाशक, पुण्यात्माओं के सुनने योग्य है, अतः भक्ति सहित इसका श्रवण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए, इससे आपकी लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिमास को अपना ही लिया है तो मैंने भी समझो इसे अपना लिया, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूँगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम वह भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं, और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वे सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं, अतः हे मधुसूदन, आज से मैं इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से यह जगत में सबसे पवित्र हो जाएगा, और यह मेरे ही समान होकर सब मासों का स्वामी होगा, अतः यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा, व्रत, आराधना करेंगे, उनके सब दुख, दरिद्रताएं नाश हो जाएंगी। 12 महीने सकाम हैं, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष देता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष देने के काबिल बना दिया है। जो कोई निष्काम या सकाम भाव से इस अधिमास को पूजेगा, उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़ व्रत करके कठोर तप करते हैं, और फल, पत्र, वायु का आहार करते हैं, तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि को त्याग कर जितेंद्रिय होकर वर्षा, जाड़े और प्रचंड प्रचंड धूप को खुले में सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज विष्णु, मेरे परम पद को नहीं पाते, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल एक मास की आराधना से ही वृद्धावस्था रहित होकर परम पद गोलोक को बिना परिश्रम प्राप्त कर लेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन और श्रवण पूजन योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने से बीज करोड़ गुना बढ़ जाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ कोई भी पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कुछ लोग चतुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वहां के भोग भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, अपने कुल का उद्धार कर मुझको प्राप्त कर लेगा।
जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु भय से व्याप्त आदि व्याधि आदि वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता, तहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा गोलोक धाम है, ऐसा वेद और उपनिषद का सत्य वचन है जो झूठा नहीं हो सकता। इस मांस का स्वामी मैं हूँ, मैंने ही इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको दे दिया है, जिससे इसके भक्तों की चिंता अब रात दिन मुझको रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामना मुझको ही पूर्ण करनी है, मेरे भक्तों का अपराध कभी भी नहीं गिना जाए। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछित इच्छा को पूरी करने में कुछ देर हो जाती है, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भी भक्त होंगे उनकी मनोकामना पूरी करने में मैं कभी विलंब नहीं करता। मल मास के भक्त मेरे भक्त हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इस मास में महाज्ञानी मनुष्य जो तप दान स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते और देव तीर्थ ब्राह्मणों का उपहास करते हैं, वे दुष्ट और अभागे जो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। तो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते वे सदा नरक गामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है, ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में जाते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट पाते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए कलेशों को भोगते हैं। वो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान और पूजा पाठ आदि करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति विविध सुख एवं पुत्र आदि देता रहूंगा। और जो स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ निकाल देंगी तो मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊंगा, जिससे उन्हें न तो पति का सुख मिलेगा और भाई पुत्र संपत्ति आदि का सुख तो स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान पूजा जप आदि अवश्य करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा वह धन पुत्र और विविध भांति के सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाकर वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिमास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों से उत्तम बना दिया है। हे रमापति, अब तुम अधिमास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में ले जाओ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से ऐसे रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कीर्ति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठ शीघ्र ही अपने वैकुंठ को चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा सप्तम अध्याय समाप्त।